Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard EVS 1 lesson number 2, that is the interrelationship between living things. So aapka jo EVS 1 hai usme ka lesson number 2 uska hum question answer dekhne wale hain, theek hai, Maharashtra board ka hai ye. So yahan pe dekhiye ye sab to question answer nahi hai, jo question answer hum direct us pe aate hain. To dekhiye yahan pe question diya gaya hai, what is the Marathi name for mango blossoms? When do mango tree blossoms every year? The Marathi name for the mango blossoms is mohur. Normally, the mango tree blossoms around the end of February and the beginning of March. Okay. Does the banyan have leaves throughout the year? All the leaves of the banyan tree never fall off together. Ek saath kabhi nahi chhodta. Some leaves may fall but the tree never become leafless. Kuch patte girte hain but pura ka pura kabhi khatam nahi hota. We see frogs everywhere during the rains. Where do they disappear in summer? So frogs cannot tolerate the heat of summer. Wo garmi nahi seh sakte. Isliye wo kya karte hain? They hide in some safe and moist place. To safe jahan pe rehta hai, moist place rehta hai. जहाँ थोड़ा नमी रहता है वहाँ पे जाके वो छिप जाते हैं. When their water is around, जब water हो जाता है चारों तरफ, they came out of their hiding place, छुपी हुई जगह से वापस आ जाते हैं. When there is severe winter, they once again go to their hiding place. वापस से ठंडी आती है तो वापस से वो अपने प्लेस पे चले जाते हैं. Which is the season for jamuns? So the beginning of May and June is the season of jamuns. मई जून में आता है. यहाँ पे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये आपको देख के फिलअप करना है. जो यहाँ पे दिया गया सीजन कोंकण यही सब यहाँ पे आपको फिलअप करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आफ्टर यहाँ पे क्या आएगा? रेनी सीजन. ये देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, रेनी सीजन जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है. आफ्टर रेनी सीजन विंटर कम्स अगेन, बारिश के बाद ठंडी आती है. We keep animals because animals meet some of our needs. यहाँ पे क्या आएगा? needs. आप यहाँ पे देखो आंसर लिखा गया है, needs अंडरलाइन किया गया है. ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं. We spray क्या आएगा यहाँ पे? insecticides यहाँ पे दिया गया है, to prevent insects from attacking plants. Winter is also known as the season of, यहाँ पे दिया गया है पंगल. ठीक है, आंसर देखो नीचे दिया गया है. तो जितने भी आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ का देखो, फोर्थ का फिफ्थ का बटरफ्लाई फीड ऑन द नेक्टर, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ऑफ फ्लावर्स. उसके बाद यहाँ पे देखिए अ कम्बस्टिबल गैस कॉल्ड, क्या बोलते हैं? गोबर गैस. यहाँ पे देखो दिया गया, इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम कैटल डंग, गोबर से रहता है वो. फॉरेस्ट अपीयर्स क्या आएगा यहाँ पे? कॉपर. यहाँ पे देखो दिया गया आंसर, कलर बिकॉज द लीव्स आर रेडिश इन द बिगिनिंग ऑफ समर. एट में यहाँ पे क्या दिया गया है? द कोंकण. यहाँ पे क्या आएगा? कोंकण रीजन इन महाराष्ट्र, ये वाला. उसके बाद नाइन्थ, चेंजेस इन द क्या आएगा यहाँ पे? सीजन यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रहा ऊपर में और सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है जितना अंडरलाइन किया गया है. ट्रू और फॉल्स देखिए, देर आर नो डिफरेंसेज इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स, क्या है? फॉल्स है. If aquatic plants are given more water, they start rotting. ये false है. तो यहाँ पे देखिए सारे question दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और सारे true हैं, false हैं जो है यहाँ पे उसके आगे लिखा गया है. Okay. Next देखते हैं, यहाँ पे और भी है, यहाँ पे तीन question और हैं true false वाला. तो ये eight वाला क्या है? false है. ninth वाला true है और tenth वाला भी true है. Farmers work hard in the fields, so क्या है? true है ना. उसके बाद मैच द कॉलम्स यहाँ पे देखिए. सिल्क वर्म पैलेट्स किस में मैच होगा? तो सिल्क वर्म किस में होगा? सिल्क क्लोथ्स. ओके. शिप किस में होगा? शिप होगा वूल में. उसके बाद डॉग किस में होगा? डॉग होगा गार्ड्स एंड द हाउस, गार्ड द हाउस. कैटल किस में जाएगा? गोबर गैस. गोट किस में जाएगा? पैलेट्स. ठीक है, और आंसर यहाँ पर दिया गया है. देखो यहाँ पर देखो, कमेलियंस किस में जाएगा? इंसेक्ट है वो, तो इस तरह आएगा. स्नैक क्या है, क्या खाता है? सो रेड्स फ्रॉग है. कमेलियन क्या खाता है? तो इंसेक्ट खाता है ना. कमेलियन इंसेक्ट खाता है, स्नैक क्या खाता है? रेड्स एंड फ्रॉग्स खाता है. टाइगर क्या खाता है? डियर. यहाँ पे
शीप एंड गोट्स क्या खाते हैं, वो खाते हैं श्रब्स, काउज एंड बफेलोस ग्रास। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखो आंसर दिया गया है, मोहर ऑफ मैंगो ट्री क्या आएगा यहाँ पे, एंड ऑफ विंटर यहाँ पे, न्यू लीव्स ऑन ट्री क्या आएगा, बिगनिंग ऑफ समर यहाँ पे, कैशियो नट सीजन क्या आएगा इसमें, इन समर यहाँ पे, जैक फ्रूट इन द मार्केट तो बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन, फार्मिंग इन रेनी सीजन, आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स वाला ये जो है वो वही है, यहाँ वहाँ पे ब्लर था थोड़ा, इसलिए यहाँ पे वापस से आंसर बताया है, और ये मैच द फॉलोइंग है जो थोड़ा वहाँ पे ब्लर था यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो आप, अच्छे से दिखेगा आपको। आंसर इन वन सेंटेंस, विच ऑफ आर नीड्स आर फुलफिल्ड इन द नेचर, सो आंसर यहाँ पे दिया गया है फूड वाटर एयर क्लोथिंग शेल्टर, सब हमारी नीड है। विच एनिमल्स लिव्स लिव इन द ग्रास लैंड, सो डियर नीलगाय एंड बाइसन लिव इन ग्रास लैंड। वेयर डज टाइगर टेक शेल्टर, सो टाइगर टेक शेल्टर्स इन द केव्स इन हिल्स और माउंटेन्स। फ्रॉम वॉट आर डंक केक्स मेड, वॉट इज द यूज ऑफ डंक केक्स, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कैटल्स के एक्सक्रीटा जो गोबर रहता है उससे बनाते हैं। विच आर द थ्री सीजन्स इन आवर कंट्री, तो हमें पता है समर रेनी सीजन, ओके समर सीजन रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। इन विच मंथ डू वी बिगिन टू फील द हीट, तो यहाँ पे देखो बाय द मंथ ऑफ मार्च वी बिगिन टू फील द हीट। नेम टू फ्रूट्स विच आर सीन इन द मार्केट ड्यूरिंग द समर सीजन, सो मैंगोज एंड वाटरमेलन्स। विच फ्रूट्स आर सीन वेन द रेनी सीजन इज शॉर्ट वे अवे, जैक फ्रूट जामुन्स एंड करवंडास। करवंडास। वाई इज़ द विंटर सीजन कॉल्ड सीजन ऑफ फॉलिंग ऑफ लीव्स और सीजन ऑफ फंगल, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ट्रीज क्या करते हैं ड्यूरिंग विंटर उनके पत्ते झड़ जाते हैं, देयरफॉर द विंटर सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ फॉलिंग ऑफ लीव्स और सीजन ऑफ फंगल। टाइगर के पास स्ट्राइप्स क्यों होते हैं बॉडी पे, तो उसका रीज़न यहाँ पे देना है क्योंकि टाइगर हंट्स करते हैं कई अपने अपने शिकारियों को, ठीक है, खाना खाने के लिए अपने, सो ये क्या करते हैं, इट लाइज इन वेट टू कैच इट्स प्रे इन टॉल ग्रासेस, बड़े बड़े घास में इस तरीके से छुपे होते हैं, सो इनके स्ट्राइप्स की वजह से क्या होता है प्रे जो होते हैं शिकार जो होते हैं वो इनको पहचान नहीं पाते इजीली, देख नहीं पाते, इसलिए वो इजीली डियर का नीलगाय का बाइसन का अपने स्ट्राइप्स की वजह से इजीली वो क्या करते हैं उन पर अटैक कर देते हैं। वी कीप डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स विद अस, हम बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स अपने साथ रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उनसे चीज़ें मिलती हैं जैसे कि मिल्क मीट एग्स, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प करते हैं हमें हैवी फार्म जो खेत का होता है उसके जो वर्क होते हैं खेत के काम में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है उनको। डॉग क्या करते हैं हमारे घर को गार्ड करते हैं, जबकि जो शीप है वो उससे हमें वूल मिलता है। ड्यू टू ऑल सच बेनिफिट्स, इतने सारे बेनिफिट्स के लिए हम क्या करते हैं अलग अलग डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स अपने साथ रखते हैं। ओके वही आंसर यहाँ पे भी है, यहाँ पे थोड़ा क्लियरली लिख के दिया हुआ है तो थोड़ा ब्लर नहीं है, एकदम क्लियर है, वही आंसर है सेम। ये देखिए मंकी एंड स्क्विरल आर अर्बोरियल, तो क्यों है ऐसा, तो देखिए क्योंकि ये क्या करते हैं डिफेंड करने के लिए अपने आप को एनिमीज से बचने के लिए ट्रीज पे रहते हैं, उससे उन्हें फ्रूट्स मिलता है नट्स मिलता है जिससे उनकी भूख मिलती है, और ये अपनी लाइफ क्या करते हैं ट्रीज पे ही बिताते हैं इसलिए वो क्या है अर्बोरियल। एंड एग्रेट इज सीन राइडिंग ऑन द नेक बैक ऑफ ग्रेजिंग बफेलो, ग्रेजिंग घास चरती रहती है जब बफेलो उसके वो हम देखते हैं कि उसके बैठी रहती है बैठा रहता है ग्रेट उसके ऊपर, क्यों ऐसा है, तो यहाँ पे इंसेक्ट छुपे रहते हैं ग्रासेस में जब वो चढ़ते हैं, तो जैसे जब जब जो बफेलोज होते हैं वो जब पैर रखते हैं तो वो क्या होता है वो उड़ते हैं, कीट जो रहते हैं इंसेक्ट्स वो इजीली कैच कर लेते हैं कर लेता है एग्रेट, ठीक है वो बर्ड है। अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एग्रेट टू लोकेट देम इन द ग्रास, तो घास में छुपे रहते हैं तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब जब ग्रेजिंग बफेलो रहता है वो घास चरती है वहाँ से इंसेक्ट उसको दिख जाते हैं और वो खा लेते हैं, ठीक है कौन एग्रेट।
क्रोकिंग साउंड ऑफ फ्रॉग इज नॉट हर्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन, जो मेंढक आवाज करते हैं, क्रोकिंग करते हैं, वो हमें विंटर के सीजन में नहीं सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो हाइड हो जाते हैं। विंटर सीजन में बहुत कोल्डर वेदर हो जाता है, तो फ्रॉग को उनके मतलब वो एक्टिव नहीं रहते, डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए लाइफ। सो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही डीप स्लम्बर में चले जाते हैं, नियरली 7 to 8 months, 7-8 महीने के लिए वो वहीं पे छिपे रहते हैं और सोते रहते हैं, इन डीप स्लीप सोते रहते हैं, इसलिए उनकी क्रोकिंग हमें सुनाई नहीं देती। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस? तो देखो यहाँ पे दिया गया प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। फूड ग्रेन्स मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब मिलता है। प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स लाइक, और हमें कॉटन, वूल सब प्रोवाइड करते हैं। सो वी कैन मेक क्लोथ्स फ्रॉम दीज प्लांट फाइबर्स। ओके, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, दे ऑल्सो प्रोवाइड मटीरियल्स लाइक फूड टू अस फॉर मेकिंग आवर शेल्टर, ये हमें यूज़ कर हमें मिलता है उनसे। वॉट इज़ मेंट बाई अर्बोरियल एनिमल्स? अर्बोरियल मीन्स मतलब कि ट्रीज पे जो रहते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, उसके फ्रूट्स और इंसेक्ट जो रहता है वही खा के जीते हैं। तो अर्बोरियल एनिमल्स क्या करते हैं, टेक सपोर्ट ऑफ द ट्रीज टू लीव, वो जीने के लिए ट्रीज का सपोर्ट लेते हैं। मंकी, स्क्विरल्स आर अर्बोरियल एनिमल्स ना। वॉट चेंजेस डू वी सी इन ट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ मार्च? क्या देखते हैं मार्च के स्टार्टिंग में? तो हम देखते हैं इन बिगिनिंग ऑफ मार्च देयर इज अ चेंज इन द सीजन फ्रॉम विंटर टू समर, विंटर टू समर आता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं उनको नए पत्ते आते हैं। फॉरेस्ट ट्रीज जो होते हैं टेक अप कॉपर कलर, वो थोड़ा रेडिश कलर हो जाते हैं क्योंकि एंड टेंडर लीव्स टुक रेडिश एंड शाइनी, एकदम चमकदार पत्ते रेडिश दिखते हैं। दीज आर द चेंजेस दैट अकर टू ट्री, अकर इन ट्रीज द वेदर स्टार्ट्स बिकमिंग वार्मर, जब गर्मी आता है। तो हाउ डज मैन टेक केयर ऑफ हिज डोमेस्टिक एनिमल्स? कैसे ध्यान देते हैं वो? तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर डियर टू देयर ओनर्स, बहुत प्यारे होते हैं उनके ओनर्स को। सो बहुत ही ध्यान देते हैं अपने एनिमल्स का, अच्छे से रखते हैं उनको, अच्छे से खाना प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं, कंफर्टेबल उनके लिए शेल्टर बनाते हैं, गौशाला हम देखते बनाते हैं, उनके रहने के लिए घर बनाते हैं। अगर एनिमल बीमार पड़ जाते हैं तो जो ओनर रहते हैं उनके, वो उनको क्या करते हैं, उनको दवाई वगैरह, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। वॉट आर द यूजेज ऑफ एक्सक्रीट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर और फॉर मैन? तो आदमी के लिए क्या जरूरी है उनका, जो उनका एक्सक्रीटा होता है, जो गोबर होता है, डंग होता है, क्यों यूज़फुल है? तो यहाँ पे बहुत यूज़फुल है। काव डंग होता है, क्यों? काव डंग जो होता है उससे कम्बस्टिबल लाइक ईंधन बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं। सो डंग के कार मेड फ्रॉम इट, जो डंग के जो उपले होते हैं गाँव में वगैरह में, वो यूज़ करते हैं। दीज आर यूज एज फ्यूल इन विलेज, गाँव में उसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, उसी पे खाना बनाते हैं। द डंग ऑफ कैटल इज़ यूज टू मेक गोबर गैस, गोबर गैस भी उसी से बनता है। दिस इज़ चीप एंड इफेक्टिव फ्यूल, बहुत सस्ता और इफेक्टिव भी है। खाद भी बनाते हैं, मैन्योर भी बनाते हैं कैटल डंग से, पैलेट्स ऑफ शीप एंड गोट्स। दिस मैन्योर इज़ यूज बाय फार्मर्स फॉर क्रॉप्स, सो क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ डू वी टेक केयर ऑफ प्लांट्स दैट हेल्प अस टू मीट आवर नीड्स? तो वो देखिए, जो हम प्लांट्स उगाते हैं तो हमें बहुत सारी जरूरतें हमारी पूरी करते हैं। वी हेल्प देम टू ग्रो, तो हम हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में। हम सीड्स बोते हैं, अपने प्लांट्स का देखभाल करते हैं मेथोडिकली, हम उन्हें वाटर रेगुलरली देते हैं, हम उन्हें मैन्योर प्रोवाइड करवाते हैं जब भी ज़रूरत होता है। एंड इफ़ द प्लांट्स आर अटैक्ड बाय इंसेक्ट, जब इंसेक्ट अटैक करते हैं तो हम उस पर इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करते हैं। हाउ डू एनिमल्स हेल्प द प्लांट्स? तो एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स के लिए? सो देखिए, जो एनिमल्स सपोर्ट लेते हैं प्लांट्स का, जो उस पर डिपेंड करते हैं, वो भी उन पर हेल्प करते हैं इन रिटर्न, ठीक है। एनिमल्स वो फ्रूट्स खाते हैं ट्रीज के, एज दे मूव अराउंड और यहाँ वहाँ घूमते हैं तो सीड्स को यहाँ वहाँ ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं, इससे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं एनिमल्स की वजह से। इफ़ फिश लीव द वाटर विल दे एबल टू लीव ऑन लैंड? नो, फिश कैन नॉट लीव ऑन लैंड, वो जमीन पर नहीं रह सकते। वो सिर्फ और सिर्फ दे कैन ओनली टेक अप ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर पानी में जो ऑक्सीजन रहता है सिर्फ वही ले पाते हैं। और इस रेस्पिरेशन की वजह कैसे होता है, दे यूज़ देयर गिल्स, गिल्स जो होता है, और दे कैन नॉट रिस्पायर ऑन लैंड एंड वुड दस डाय, और वो उनकी डेथ हो जाएगी। इफ़ इट रेन्स हैवली फॉर 2 or 3 days, वाटर कलेक्ट्स इन फील्ड्स, द क्रॉप्स ग्रोइंग देयर रॉट, वाई? तो वो जब 2-3 दिन बारिश बहुत हुई, पानी पूरा भर गया तो सड़ जाता है उसका, क्यों? क्योंकि जो रूट्स होते हैं क्रॉप्स के, वो स्टैंड होते हैं वाटर लॉक्ड सॉइल में, इसकी वजह से वो स्टार्ट हो जाते हैं रॉटिंग, सड़ना स्टार्ट हो जाता है।
और जब उसके रूट्स रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे प्लांट्स भी सड़ जाता है। द ग्रेन्स विच आर डेवलपिंग ऑन द क्रॉस में फॉल ऑफ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेन एंड विंड। अगर ग्रेन है भी अनाज वाले, मतलब उसमें अनाज आ गए हैं और जोर की बारिश हुई, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेन हुआ या विंड हुआ, तो भी वो झड़ जाते हैं सारे उसके ग्रेन्स। ड्यू टू दिस द रॉटिंग बिकम्स मोर रैपिड। और तेज़ी से अगर अनाज उसमें आ गए हैं तो और तेज़ी से वो सड़ जाते हैं। इसकी वजह से हैवी रेन क्या करता है, बहुत डैमेज करता है स्टैंडिंग क्रॉप के लिए। वाई डू वी नॉट गेट अ गुड क्रॉप इफ़ वी डू नॉट गेट गुड रेन। जब अच्छी बारिश नहीं होगी तो अच्छा क्रॉप्स भी नहीं मिलता। क्यों? तो देखो, क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वाटर की, ठीक है, ग्रोथ के लिए। तो अगर पानी कम मिलेगा तो क्रॉप्स क्या होगा, उसको इनफ वाटर नहीं मिलेगा। सो क्या होगा, सैपलिंग मे नॉट ग्रो वेगरसली ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। तो वाटर की वजह से वो क्या होगा, सूखने लगेगा। और ज़्यादातर क्रॉप्स क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं रेन वाटर पे। सो अगर हमें रेन वाटर नहीं मिलेगा तो जो क्रॉप्स हैं वो भी अच्छा नहीं मिलेगा हमें। वाई डज़ द इंडियन रेड स्नैक, जो धामन होता है रेड स्नैक, लीव अराउंड फील्ड्स। क्यों खेतों के आसपास रहता है? तो रेड स्नैक क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है और बहुत बड़ा होता है साइज़ में। और ये क्या होता है, जो खेत के चूहे होते हैं उसी पे डिपेंड करता है, इसीलिए खेतों के पास रहते हैं। और रेड क्या करते हैं, जो चूहे होते हैं वो अनाज की खोज में रहते हैं, इसलिए वो खेतों में जाते हैं। तो फिर द रेड स्नैक इज़ टर्न कम्स इन सर्च ऑफ रेड्स एज रेड्स इट इज़ इट्स फेवरेट फूड। वही उसका फेवरेट फूड है। इफ देर आर फरी एनिमल्स लिविंग इन स्नोई रीजन, वुड देयर कोट्स बी थिक और स्पार्स। सो फरी एनिमल्स जो होते हैं स्नोवी रीजन्स रहते हैं, तो उनके जो फर होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं, उनके कोट, उनकी बॉडी की जो फर है, स्किन है, बहुत मोटी होती है, जिससे उन्हें वार्मथ मिल सके। और उनके जो थिक फर है उस वो उन्हें मतलब उन्हें गर्मी प्रोवाइड करती है। गुरप्रीत हैज़, यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर है यहाँ पे, गुरप्रीत हैज़ टू प्ले खो खो मैच ऑन अ समर आफ्टरनून। शी हैज़ टू बी टोल्ड वॉट टू डू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द हीट। गर्मी से बचने के लिए क्या करना चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उसका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ओरल वर्क यहाँ पे, फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क, तो कहाँ से सिल्क मिलता है, सिल्क मोथ से मिलता है। हाउ आर ट्रीज़ यूजफुल फॉर मंकीज़, मंकीज़ के लिए क्यों, कैसे है इम्पॉर्टेंट है ट्रीज़ यूजफुल है, वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ट्रीज़ यूजफुल फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए कैसे है ज़रूरी, वो भी दिया गया आंसर यहाँ पे। What happens if termites make a tree hollow? आंसर यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो जरूर लाइक कर देना आप, और अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कर देना, ओके, उन्हें भी हेल्प मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हैं, यहाँ पे देख लीजिए आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको बताती हूँ और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। जैसे यहाँ पे देखो, कैन यू टेल प्लांट्स आर सराउंडिंग आर यूजफुल टू डिफरेंट वेज, तो बीटल वाइन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये सब फेनुग्रीक मेथी, वसाका, करी लीफ प्लांट जो है, ये सब के बारे में यहाँ पर देखो दिया गया है। ये देखो बीटल वाइन क्या है, बीटल वाइन क्या है, ये कच्चे खाया जाता है, जो पान है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बीटल वाइन, पान जो कच्चे खाते हैं हम, तो ये उसका पत्ता यूज़ होता है खाने के लिए। इट इज़ पूजा में भी यूज़ होता है, रिलीजियस फेस्टिवल में भी यूज़ होता है, ओके। और जो पान का पत्ता है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, ओके। अब यहाँ पे देखो, जो पलाश का पेड़ है जो जंगल में मिलता है, उसका यूज़ यहाँ पे दिया गया है। ये है, जंगल में देखने को मिलता है, बहुत ही बड़ा ह्यूज होता है, बड़ा ट्री होता है ये, ओके। और इट्स डाइड लीव्स यूज टू मेक ईटिंग प्लेट्स, ऑल्सो नोन एज पत्रवलीस। द यंग लीफ ऑफ पलाश आर यूज टू फॉडर फॉर कैटल, एनिमल्स को खिलाया जाता है। और इसके जो सूखे पत्ते हैं वो खाने के लिए, जो प्लेट्स पत्तल बनाए जाते हैं इसके। जो मेथी है वो तो सब्जी है, हमें पराठा बनाने के यूज़ में आता है, सब्जी बनाने के काम में आता है। वसाका जो अड़ुलसा है, इसकी पत्तियां क्या करती हैं, लीव्स एंड बार्क ऑफ वसाका प्लांट्स आर यूज्ड एज अ रेमेडी फॉर कफ, खांसी के लिए यूज़ होता है। उसकी बार्क यानी छाल और उसका प्लांट जो है लीव्स, उसकी पत्तियाँ वो यूज़ हो जाती की जाती है कफ में। और मैनी कफ सिरप में इसका वसाका डाला जाता है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है। और करी लीफ, ये तो हमें पता है, कड़ी पत्ता, वो कड़ी बनाने का काम आता है, सब्जी बनाने में काम आता है, स्नैक्स जो बनाते हैं, चूड़ा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें इसको, इसका तड़का दिया जाता है, दाल वगैरह में तड़का दिया जाता है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है।
ठीक है, यूज़ इसकी इसकी इसका यूज़ करने से हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, गुड कंडीशन में रहता है, तो ये क्वेश्चन इसका हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड चैप्टर स्टोरेज ऑफ वाटर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।